दोस्तों, कई महापुरुष कह गए हैं कि जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा मिल जाए तो वो सेहत, जान और भविष्य तीनों के लिए मुसीबत बन जाते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण हमने कई बार देखा है। पैसा, ताकत और हुस्न जब ज्यादा हो जाए तो इंसान कितना भी संभलने की कोशिश करे, आखिर में बह ही जाता है। आज की वीडियो एक ऐसी रानी के ऊपर है जिसने अपनी खूबसूरती के दम पे एक नया इतिहास रच दिया था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एलिजाबेथ फर्स्ट की, जिसने अपनी पूरी जिंदगी में शादी नहीं की थी, जिसकी वजह से उसे द वर्जिन क्वीन भी कहा जाता है। हालांकि उसके कई व्यक्तियों से प्रेम संबंध रहे हैं। लोगों को अपनी जवानी के जाल में फंसाने का गुण एलिजाबेथ को अपनी माँ एन बोलेन से मिला था। जवानी में खूबसूरती के बल पे उसने इंग्लैंड से लेकर आयरलैंड तक के रियासतों को संभाला, वहाँ राज किया। एलिजाबेथ के पास सब कुछ था, लेकिन उसकी मौत आज भी एक रहस्य बने हुए है। दोस्तों, आखिर क्या है एलिजाबेथ की पूरी कहानी, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, एलिजाबेथ का जन्म 7 सितंबर 1533 को ग्रीनविच पैलेस में हुआ था और उनका नाम उनकी दादी एलिजाबेथ ऑफ यॉर्क और लेडी एलिजाबेथ हार्ट के नाम पे रखा गया था। एलिजाबेथ फर्स्ट इंग्लैंड के हेनरी 8 की दूसरी संतान थी। एलिजाबेथ फर्स्ट की माँ का नाम एन बोलेन था। दोस्तों, अगर आप एन बोलेन के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि एन बोलेन एक बहुत ही खतरनाक शासिका थे, जिसके ऊपर न जाने कितने कत्लों का इल्जाम था। एलिजाबेथ फर्स्ट उसी के बेटे थे। बचपन से ही उसमें उसकी माँ के गुण थे। दोस्तों, एलिजाबेथ फर्स्ट बहुत खूबसूरत थे। वो दिखने में किसी गुड़िया की तरह लगते थे। उसकी खूबसूरती का आलम यह था कि बचपन में ही उसके लिए कई बड़ी रियासतों के राजकुमारों के रिश्ते आने लगे थे। लेकिन एलिजाबेथ के पिता हेनरी 8 ने जल्दबाजी नहीं की और किसी से रिश्ते की बात में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। दोस्तों, एलिजाबेथ की खूबसूरती की वजह से पूरे महल में केवल उसके ही चर्चे रहते थे और इसकी वजह से हेनरी की पहली पत्नी कैथरीन और उसकी बेटी मैरी को बहुत बुरा लगता था, क्योंकि एलिजाबेथ के जन्म के बाद उसे कोई नहीं पूछता था। इस बात से कैथरीन को एक बात का डर भी था कि कहीं राज्य की अगली उत्तराधिकारी का पद एलिजाबेथ को न दे दिया जाए। जब एलिजाबेथ थोड़ी बड़ी हुई तो उसी समय कैथरीन की मृत्यु हो गई। कैथरीन की मौत के बारे में कहा जाता है कि उसकी मौत किसी बीमारी से हुई थी, लेकिन सच तो यह है कि एलिजाबेथ के माँ एन बोलेन ने ही उसे मरवाया था। कैथरीन की मौत के कुछ समय बाद ही एन बोलेन की गला काटकर हत्या कर दी गई। कहते हैं कि एन बोलेन की हत्या उसके ही किसी आशिक द्वारा की गई थी। एन बोलेन के 50 से भी ज्यादा मर्दों से नाजायज संबंध है। एन बोलेन की मौत से कैथरीन के समर्थकों को बहुत खुशी हुई और उन्होंने कैथरीन की बेटी मैरी को उत्तराधिकारी बनाने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र रचा, जिसके लिए उन्होंने एन बोलेन के मरने के बाद राज्य में ये बात उठाई कि एन के बहुत लोगों के साथ नाजायज संबंध है, तो फिर उसकी लड़की एलिजाबेथ भी नाजायज होगी। और ऐसा कहकर उसे नाजायज करार दे दिया गया और एलिजाबेथ को सारे शाही उत्तराधिकारों से वंचित कर दिया गया। एलिजाबेथ अभी उतनी समझदार नहीं थी कि उसे समझ आए कि उसके साथ वास्तव में क्या हो रहा है। हेनरी की दोनों बीवियों की मौत हो चुके थे, अब वो बिल्कुल अकेले हो चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने मंत्रियों से सलाह मशवरा करके कुछ दिनों बाद ही जेन सेमोर से शादी कर ले। दोस्तों, शादी के करीब एक साल बाद जब जेन एक बच्चे को जन्म दे रहे थे, उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने मरते मरते एक लड़के को जन्म दिया था। ये हेनरी का पहला लड़का था, जिसका नाम एडवर्ड रखा गया, और ये लड़का अपना भाग्य अपने साथ लेकर पैदा हुआ था, क्योंकि पैदा होते ही उसने हेनरी के सिंहासन पर अपना नाम जो लिख दिया था। एडवर्ड को एक अलग महल में रखा गया था, क्योंकि हेनरी नहीं चाहते थे कि उसके ऊपर किसी की नजर पड़े, और एलिजाबेथ को भी उसी महल में एडवर्ड के साथ रखा गया, क्योंकि एलिजाबेथ एडवर्ड से करीब 6 या 7 साल बड़े थे। दोनों साथ बड़े हुए थे, दोनों को एक दूसरे से लगाव हो गया था। तभी कुछ समय बाद हेनरी की मौत हो गई, जिसके बाद सिंहासन उसके छोटे भाई ने हड़प लिया और राज करने लगा। लेकिन उस समय मैरी अपने पूरे पार में आ चुके थे और उसने हेनरी के छोटे भाई को मरवा डाला। अब मैरी ने इस सिंहासन पर राज करना शुरू कर दिया। दोस्तों, मैरी एलिजाबेथ की बड़ी बहन थे और उसे राजकाज का ज्ञान भी था, क्योंकि वो अपने पिता के साथ ही रहते थे। लेकिन उसी समय एलिजाबेथ ने उस गद्दी पर अपना भी दावा ठोक दिया, क्योंकि उसके साथ एडवर्ड का साथ था। इस वजह से उसका ये दावा किसी मंत्री ने खारिज नहीं किया। अब दोनों सौतेली बहनों के बीच गद्दी की लड़ाई हो रहे थे और आखिर में दोनों ने समझौते के रूप में गद्दी पर समान अधिकार की बात करके इस बात की लड़ाई को खत्म किया। कुछ समय तक ये चलता रहा और मैरी ने स्पेन के फिलिप रोमन सम्राट चार्ल्स से शादी करने की घोषणा की। इस बात को सुनकर पूरा राज्य मैरी के खिलाफ हो गया, क्योंकि चार्ल्स एक कैथलिक थे और वहाँ की जनता ने मैरी को गद्दी से हटा दिया। अब एलिजाबेथ उस गद्दी पर अकेले राज करते थे। कहते हैं कि एलिजाबेथ के उस समय उसके ही छोटे भाई से नाजायज संबंध है, क्योंकि कई बार मैरी ने बीच दरबार में एलिजाबेथ पर ये आरोप लगाया था कि उसके और एडवर्ड के शारीरिक संबंध हैं, लेकिन हर बार सबूत न होने की वजह से उसका ये दोष साबित नहीं हो पाया। लेकिन एक बार एक मंत्री ने रात के समय एलिजाबेथ को एडवर्ड के साथ देख लिया था, जिसके बाद उसने इस बात को किसी को नहीं बताया, लेकिन उसने एलिजाबेथ से जरूर इस बारे में पूछा,
कि तुम इतने सुंदर हो और तुम्हारे लिए आज भी बड़ी बड़ी रियासतों से रिश्ते आते हैं, तो तुम उनसे शादी क्यों नहीं कर लेते हो। इस पर एलिजाबेथ ने कहा कि मैं जिंदगी भर शादी नहीं करना चाहती हूँ। इसके बाद मंत्री ने एलिजाबेथ से कहा कि अगर मैं तुम्हारे इस बात को राज्य में बता दूं कि तुम्हारे और तुम्हारे भाई एडवर्ड के नाजायज संबंध हैं, तो इस पर एलिजाबेथ ने कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जैसे सुंदर हुस्न को तुम छोड़ना नहीं चाहोगे। और ये कहकर दोनों के बीच सौदा हुआ था, जिसके मुताबिक मंत्री जब एलिजाबेथ को बुलाएगा तो उसे जाना पड़ेगा। शुरुआत में तो मंत्री को कुछ खास समझ नहीं आया, लेकिन कहते ना कि पुरानी शराब और हुस्न अपना असर धीरे धीरे दिखाता है, और जब एक बार असर दिखाता है तो फिर उस असर को खत्म करना मुश्किल हो जाता है। वही उस मंत्री के साथ भी हुआ, उसे एलिजाबेथ की आदत लग गई थी। एलिजाबेथ ने भी दिमाग का इस्तेमाल किया और उस मंत्री के साथ मिलकर अपने ऊपर लगे पुराने सारे इल्जामों को खारिज करा लिया। लेकिन धीरे धीरे मंत्री एलिजाबेथ के लिए रास्ते का कांटा बनता जा रहा था, इसलिए एलिजाबेथ ने एक दिन रात के समय उसे जहर दे दिया, जिससे मौके पे ही उसने दम तोड़ दिया। उसकी मौत की खबर सुनते ही राज्य में विद्रोह छिड़ गया। एलिजाबेथ को नहीं पता था कि विद्रोह इतना ज्यादा बड़ा होगा। उसने उस विद्रोह को दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहे और इस विद्रोह के इल्जाम में फंस गए और उसे अदालत में पेश किया गया, उससे पूछताछ की गई, जिसके बाद उसे टावर ऑफ लंदन में कैद कर लिया गया। इसके बाद उसने करीब एक साल वहीं बिताया। जब एक साल बाद वो टावर ऑफ लंदन से निकली तो उसे पता चला कि मैरी की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद उसे उस राज्य की महारानी घोषित कर दिया गया। महारानी बनने के बाद पूरी जनता ने एलिजाबेथ से पूछा कि वो शादी कब करेगी, क्योंकि उसका भाई एडवर्ड गद्दी पर बैठना नहीं चाहता था। इस हालत में राज्य को भी एक उत्तराधिकारी चाहिए था, इसलिए पूरी जनता एलिजाबेथ से शादी के बारे में पूछते थे, लेकिन एलिजाबेथ ने अपने बारे में कुछ और ही सोच रखा था। कहते हैं कि एलिजाबेथ थॉमस सेमोर से प्यार करते थे। थॉमस सेमोर उस समय राज्य का गवर्नर हुआ करता था। एलिजाबेथ थॉमस को तब से प्यार करने लगे थे जब वो मात्र 14 साल के थे। थॉमस भी एलिजाबेथ के कक्ष में नाइट सूट में ही चले जाते थे। कई बार थॉमस को एलिजाबेथ के बट पर तेजी से मारते हुए देखा गया था। कई बार तो जब एलिजाबेथ राज्य की छत पर शाम के समय खड़ी होती थी, तब थॉमस उनके सीने और पेट पर गुदगुदी करता था। एलिजाबेथ थॉमस की बेटी की उम्र के थे, लेकिन वो उसे काफी पसंद करने लगे थे। दोनों के प्रेम के किस्से पूरे महल में मशहूर थे। कई बार तो दोनों को एक साथ नहाते हुए भी देखा गया था, लेकिन दोनों के इस प्यार को तब नजर लगे जब थॉमस को एक देशद्रोह के इल्जाम में सजाए मौत दे दी गई थी। उसका सर पूरे राज्य के सामने कलम कर दिया गया था। फिर उसके बाद से एलिजाबेथ ने शादी न करने की कसम खाई और जीवन भर उसने शादी भी नहीं की और नहीं बच्चे पैदा किए। इसलिए इतिहास में उसे द वर्जिन क्वीन भी कहते हैं। लेकिन कहा जाता है कि एलिजाबेथ दो बार गर्भवती भी हुई थी, लेकिन इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं था। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वो एक अजीब तरह की बीमारी से ग्रसित हो गए थे, जिससे उसका पूरा शरीर सूज गया था और इसी बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गए थे। दोस्तों, कई इतिहासकारों का कहना है कि 16 साल की उम्र के बाद एलिजाबेथ ने कई मर्दों से नाजायज संबंध बनाए थे, लेकिन इन सबका कोई ठोस सबूत न हो पाने की वजह से कोई इस बात पर जोर नहीं देता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में एलिजाबेथ के कई मर्दों के साथ संबंध थे? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।